पति की चोट के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। वह पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहते थे, चलने फिरने में भी वह असमर्थ थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी, तो दौड़कर मैंने दरवाजा खोला। सामने लगभग 18 से 20 साल का एक नौ युवक खड़ा था। उसने वही खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। जी मैं नगीन हूँ, रमेश जी का बेटा, पापा ने आपको मैसेज भेजा होगा, आओ भीतर आओ, कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। नगीन संकोच करता हुआ भीतर आ गया। जी मैं आज ही यहाँ आया हूँ, आपको तकरीबन 8 साल पहले देखा था, तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था, तब मेरे हाई स्कूल के एग्जाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ, और ये लीजिए, पापा ने यह सामान आपके लिए भेजा है, कहकर उसने एक बैग दे दिया। बैग में बगीचे के ताजा फल, सब्जियाँ, अचार वगैरह थे। मैंने खूब खुशी से आभार जताकर बैग ले लिया और उसको चाय, नाश्ता वगैरह दिया। इसी बीच मैंने जोर देकर कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे पापा को कह चुकी हूँ कि सब कुछ तैयार मिल जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। नगीन यह सुनकर बस एक बार में ही मान गया, मानो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सामान जो उसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। उस दिन नगीन अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद वह यहाँ अपनापन महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा यह मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन नगीन को मैंने अपने पति से मिलवाया। नगीन हैरान रह गया कि वे मकान के सबसे पिछले कमरे में खामोश लेटे हुए थे। कमाल है, कल दोपहर से रात तक इनकी आवाज तक सुनाई नहीं दी, नगीन सोचता रहा। मैंने नगीन की सोच में सावधान डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि ये दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते हैं, मगर कल कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर और रात भर सोते ही रहे। मैं नगीन के आने से बहुत खुश थी, दो लोगों के सुनसान घर में कुछ रौनक तो हो गई थी। एक दिन नगीन रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा तो मैं हंसकर बोली, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना। जवाब में उसने कहा, हाँ पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर इतना भी बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 20 साल का हूँ। मैंने आश्चर्य से देखा तो नगीन बोला, कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब बच्चा नहीं रह गया मैं। ये सुनकर मैं चुप हो गई। एक दिन बातों बातों में नगीन ने मुझसे पूछा, आपके पति को क्या हुआ है, वे कमरे में अक्सर क्यों रहते हैं? वे बिल्कुल फिट थे, पहले तो अच्छा खासा कारोबार देख रहे थे, हमारा खुद का कारोबार था, उससे बहुत अच्छी आमदनी होती है। हुआ यह कि यह पिछले साल एक पेड़ से गिर पड़े, सब इलाज करा लिया है, कप कपा कर चल पाते हैं, फिलहाल तो 2 कदम चलने में भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसलिए अपने कमरे में ही थोड़ा बहुत चलते हैं। सप्ताह में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है, बाकी फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा पर फिर आराम से चलने लगेंगे। नगीन ने यह सुनकर उनकी तरफ देखा, वह जानता था कि मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे हमारे विवाह को। उसने अंदाजा लगाया और अपनी उंगली में गिनने लगा। मैं बोली, हाँ 5 साल हो गए हैं। याद है तुम्हारी 10वीं के पेपर चल रहे थे तब, और उससे पहले भी मैं आपसे नहीं मिला था। 7-6वीं में पढ़ता था तब एक बार आपको देखा था, आप पापा के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। हाँ हाँ, तब तुम्हारे पापा मेरे इतिहास के शिक्षक थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी। इसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी। दिन गुजरते रहे, नगीन को हमारे यहाँ रहते 4 महीने हो गए थे।
वह यहाँ तो लड़कपन के उबर खाबड़ रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन यह साफ समझ गया था कि हम दोनों की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत की सुर लय ताल पैदा कर रहा था। नगीन ने देखा था कि बगीचे में काम करने वाले ठेकेदार वगैरह भी एक आध बार आए थे और कोई बैंक वाला भी आता था, पर कभी कभी। नगीन आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वह गुनगुनाता हुआ रसोई में आया और चट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में मुंह लगाकर बोला, सीमा आज मैं कर दूंगा सारा काम, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो इस जगह। और वह हौले हौले मेरे मुलायम अभी अभी धुले गीले और खुशबूदार बालों को लगभग सूंघता हुआ मुझको एक कुर्सी पर बैठाने लगा, लेकिन मैं उसको वहाँ बैठा कर खुद उसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हिले डुले ना कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। 2 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज आई तो हम दोनों चौंक गए और घबराकर मैंने नगीन को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि नगीन की इच्छा नहीं थी कि वह मुझसे अलग हो। नगीन मन ही मन बीती दोपहर की उस मधुर बेला को अचानक याद करने लगा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। मैंने यह सब ताड़ लिया था। मैं उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा चुंबन देकर उठ खड़ी हुई। उस पर नगीन फुसफुसाता हुआ बोला कि दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों? वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। मेरे बदन में जैसे बिजली कंद रही थी। मैं कितनी प्रफुल्ल थी, ये मेरा प्यासा मन जानता था। मैं तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस ही गई थी, मगर नगीन ने मेरा अधूरापन दूर कर दिया था। कब ये रेगिस्तान में इतनी बरसात होगी? और इतनी शानदार में खुद बीता हुआ कल याद करके पुलक सी उठी थी। खांसने की आवाज दोबारा आने लगी थी। मैं एक कप चाय लेकर नगीन को प्यार से देखती हुई वहां से निकली और पति के कमरे तक पहुंच गई। नगीन चाय की चिस्की लेता हुआ अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। उसने जानबूझकर 2 बार एक छोटी कटोरी फर्श पर गिराई, मगर मैं उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। पति की दोनों हथेलियों को सहलाती हुई मैं उनमें नगीन की देह को महसूस करती रही और अपने आप से बोलती रही, प्यार हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। किसी उन्मुख झरने की तरह मेरे भीतर गुदगुदाहट सी छा रही थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेख पर थी कि पति को मेरा अनजाना सा स्पर्श उलिक कर रहा था। वे कल से एक नई माया को देखकर हैरान थे।